मुसलमानों की बल्कि कहना चाहिए कि मुसलमान उलमा की कम इल्मी और जहालत का जिक्र करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि बाद साहेब आयत वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाते लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दे कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम की अमूमियत से इनकार करके कहते हैं, अमूमी तौर पर उसके माने हैं, उसको इनकार करके कहते हैं कि मिनकुम से सहाबा ही मुराद हैं और खिलाफत राशिदा हक्का उन्हीं के ज़माने में ज़माने तक ख़त्म हो गई, सहाबा के ज़माने तक खिलाफत राशिदा रही। फरमाया और फिर क़यामत तक इस्लाम में इन लोगों के नज़दीक क़यामत तक इस्लाम में इस खिलाफत का नामो निशान नहीं होगा। गोया एक ख़्वाबो ख़्याल की तरह इस खिलाफत का सिर्फ 30 बरस ही दौर था और फिर हमेशा के लिए इस्लाम एक लाजवाल नहूसत में पड़ गया, नऊज़ु बिल्लाह। फरमाते हैं मगर मैं पूछता हूँ कि क्या किसी नेक दिल इंसान की ऐसी राय हो सकती है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत तो ये एतकाद रखे कि बिलाशुबा उनकी शरीयत की बरकत और खिलाफत राशिदा का ज़माना बराबर 1400 बरस तक रहा, लेकिन वो नबी जो अफ़ज़लुर रुसल और खैरुल अंबिया कहलाता है और जिसकी शरीयत का दामन क़यामत तक मुमतद है, उसकी बरकात गोया उसी के ज़माने तक ही महदूद रही और ख़ुदा ने ना चाहा कि कुछ मुद्दत तक उसकी बरकात के नमूने उसके रूहानी खलीफों के ज़रिए से ज़ाहिर हों। ऐसी बातों को तो सुनकर हमारा बदन काम जाता है, मगर अफसोस कि वो लोग भी मुसलमान ही कहलाते हैं कि जो सरासर चलाकी और बेबाकी की राह से ऐसे बेअदबाना अल्फाज मुँह पर ले आते हैं कि गोया इस्लाम की बरकात आगे नहीं बल्कि मुद्दत हुई कि उनका ख़ात्मा हो चुका।